नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे एक रूब्रिक समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया रूब्रिक है और कई बार इस रूब्रिक से पेशेंट हमारे पास आते हैं और अगर हम इसको बढ़िया से जानते हैं तो इसमें बहुत कम दवाएँ हैं, 6-7 दवाएँ हैं और ये दवाएँ जो है पॉलीक्रेस मेडिसिन हैं और कई बार हमने इस पर केसेज किए हैं, तो बढ़िया रूब्रिक है और बहुत हेल्पफुल है। तो इस रूब्रिक को जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले इस रूब्रिक को हम समझें, आपको थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूं कि हम लोग एक स्टडी ग्रुप चला रहे हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हम लोग रूब्रिक्स को डिफरेंट ऑडियो और वीडियो केसेस के थ्रू करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये रहता है ना कि हमको जो है डायरेक्ट वो रूब्रिक मिल जाती है। डायरेक्ट रूब्रिक मिलने का मतलब कि उस रूब्रिक की क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हमको मिल जाती है और जो उसके पीछे जो मेंटल स्टेट होता है, मतलब एक तो हम रूब्रिक को आपको ऐसे ओरली समझा देते हैं लेकिन फिर वो पेशेंट में किस तरीके से वो रूब्रिक दिखती है वहां से हमको वो मिल जाता है। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इस रूब्रिक को। ये रूब्रिक हमारे पास है इमोशंस प्रीडोमिनेटेड बाई इंटेलेक्ट। तो इस रूब्रिक को अगर हम सीधी और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो इस रूब्रिक का मतलब होता है कि इसमें जो भी मेडिसिन हैं वो अपने इंटेलेक्ट को, इंटेलेक्ट के द्वारा अपने इमोशंस को दबा देती हैं, मतलब इमोशंस को बाहर नहीं आने देती हैं। अभी इमोशन क्या होता है, इमोशन हमारे पास जो है बहुत सारे, जो अगर कोई घटना होती है हमारे साथ, कुछ भी होता है तो उसके प्रति हमारे बॉडी का जो इमोशनल रिएक्शन होता है, जैसे किसी को गुस्सा आता है, कहीं पे रोना आता है, कहीं पे खुशी होती है, कहीं पे जलन होती है किसी को देख करके, ठीक है ना, ये सारे इमोशंस होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम जो है जिस तरीके के व्यक्ति होंगे उस तरीके से हम किसी भी घटना पे रिएक्ट करते हैं। जैसे घर में कोई मर जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो देखो हमको रोना आता है, हमको दुख होता है, हमको कष्ट होता है, ये सारे इमोशंस होते हैं। और इंटेलेक्ट क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। इंटेलेक्ट क्या होता है, इंटेलेक्ट होता है कि हम आसपास के वातावरण को कैसे समझते हैं। इंटेलेक्ट मीन्स द फैकल्टी ऑफ माइंड By which one knows and understands, मतलब दिमाग का वो फैकल्टी जिसके द्वारा हम अपने आसपास के वातावरण को जानते हैं और समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ये हमारा बुद्धि या इंटेलेक्ट होता है। और इमोशन होता है एन इफेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच जॉय सॉरो हेट आर एक्सपीरियंस्ड। मतलब एक जो है हमारे कॉन्शियसनेस का, ये हमारा इनबिल्ट चीज है, इनहेरेंट चीज है, जो हमारा इंटेलेक्ट है इसको हम एक्वायर भी करते हैं, लेकिन जो इमोशन है ये हमारे अंदर पहले से होता है जिसके द्वारा हम डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट परिस्थितियों में अपने रिएक्शंस को शो करते हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी किसी से घृणा हो जाती है, कभी जो है कभी रोना आता है, कभी हंसना आता है, कभी हम रोमांटिक मूड में होते हैं, प्रेम में होते हैं, तो इस तरीके की चीजें जो है ये इमोशंस होते हैं, ठीक है ना। तो अभी इस रूब्रिक में जो मेडिसिन हैं वो मेडिसिन क्या करती हैं कि अपने जो है अपने सामने वाले भी कोई भी परिस्थिति होती, कुछ भी उसके साथ होता है तो ऐसी कंडीशन में वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देती हैं। वो क्या करती हैं, वो अपने इंटेलेक्ट के द्वारा अपने इमोशंस को दबा देती हैं, छिपा देती हैं। उसके पीछे जो अलग अलग मेडिसिन है उनका कारण अलग अलग हो सकता है। कालिकार्ब है, नेट्रम्योर है, नाइट्रिक एसिड है, लाइकोपोडियम है, टिटिकम वुलगैरिस है, इस तरीके की मेडिसिन इस रूब्रिक में है, ठीक है ना। अभी देखो हम लोग कैसे, प्लम मेटेलिकम है, अभी देखो कुछ मेडिसिन को हम समझने की कोशिश करते हैं। मतलब पहले तो इस रूब्रिक को अच्छे से समझिए। इस रूब्रिक का मतलब है कि कोई भी घटना घटती है उस समय जो इमोशन आना चाहिए उस इमोशन को ये मेडिसिन बाहर नहीं आने देती हैं, ये क्या करती हैं उस इमोशन को अपने इंटेलेक्ट के द्वारा सोच समझ के उसको छिपा देती हैं। अभी
नेट्रेम्योर ऐसा क्यों करता है? नेट्रेम्योर हम जानते हैं कि रिजेक्ट फीलिंग वाली मेडिसिन है, उसको अंदर से बहुत रिजेक्ट महसूस होता है, लेकिन डिग्निफाइड होने की वजह से वो अपनी रिजेक्टनेस को बाहर नहीं आने देती, इसीलिए सिक्रेटिव होती है, इसीलिए वो कि आप मतलब सामने वाले को कुछ भी शो नहीं होने देती। इवन यहाँ तक की है कि नेट्रेम्योर के आंसू नहीं आते हैं, अगर उसको उसके घर में कोई दुर्घटना होती है, कोई मर जाता है, कोई इस तरीके की चीज होती है, तो वो साइलेंट ग्रीफ में चली जाती है, आंसू नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि अगर वो रोएगी तो उसकी कमी लोगों को दिख जाएगी, उसकी डिग्निटी चली जाएगी, इसलिए वो मतलब जो है यहाँ पे अपने आप को समझाती है कि नहीं नहीं मतलब जो है जो होना था वो हो गया, जैसे होना था वो सारी चीजें हो गई, रोना कोई मतलब की चीज नहीं है, मतलब इस तरीके की बातें करके वो जो है अपने आप को समझा करके और अपना जो इमोशन है, जो वीपिंग वाला इमोशन है, उसको बाहर नहीं आने देती। ठीक है ना, बहुत ज्यादा अगर खुशी है, बहुत ज्यादा वो है, तब भी वो उस तरीके से एलिगेंट नेचर होने की वजह से बिहेव नहीं करती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए वो अपने इमोशंस को छिपा ले जाती है। ऐसे लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम आप जानते हो कि अंदर से बिल्ली होती है, बहुत डरा होता है, बाहर से शेर, मतलब वो पावर लविंग वाली मेडिसिन है, उसको सबको ये दिखाना होता है कि मेरे पास पावर है, मेरे पास पावर है, लेकिन वो क्या होता है कि जब उसके पावरफुल कोई सामने आ जाता है तब वो क्या करता है कि इस परिस्थिति से निकलने के लिए उसके सामने काइंड हो जाता है। हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर, तो ऐसी कंडीशन में वो उससे इस तरीके से बात करता है कि वो बहुत अच्छा, बहुत पोलाइट बंदा है, जबकि अंदर उसके वो जो है गुस्सा भरा होता है उसको लेकर के, लेकिन वो क्रोध वाले अपने एंगर वाले इमोशन को बाहर नहीं आने देता, क्योंकि अगर वो एंगर वाला इमोशन बाहर आ गया तो फिर उसका बहुत नुकसान होगा, और वो नुकसान फायदा इस मतलब इस चीज इस वजह से उस चीजों को बाहर नहीं आने देता। तो ये भी इस तरीके की मेडिसिन है। हमारी प्लम्बम मेटेलिकम है, प्लम्बम मेटेलिकम एक ब्रूडिंग ऑन फॉरबिडन थिंग्स इस रूब्रिक में है, मतलब प्लम्बम मेटेलिकम ऐसी चीजों में वो चाहता है, ऐसी चीजों के कल्पना में रहता है, हमेशा उसी में खोया रहता है, जो चीजें समाज को स्वीकार नहीं है, जो फॉरबिडन है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसका दिमाग हमेशा वहीं पर रहता है, मतलब इमोशनली वो हमेशा उसी से जुड़ा रहता है, लेकिन फिर भी वो बाहर इसको नहीं आने देता। ठीक, मतलब वो जो 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 इसकी डिजायर है, जो चीजें हैं, उसको बाहर नहीं आने देता, क्योंकि अपने इस इंटेलेक्ट का प्रयोग करता है, मतलब कहता है कि नहीं सर मैं इसको नहीं बताता हूं, क्योंकि ये वास्तव में ये चीज अच्छी नहीं, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग तो ये है ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी उसका जो दिमाग है वो उधर फंसा होता है, वो उस पर लगातार ब्रूड किया करता है, उसको कैसे उसको वो चीज़ मिल जाए, इसका कैसे हल निकाला जाए, ठीक है ना, जो फॉरबिडन चीज़ें हैं वो उसको कैसे मिल जाए, इसके लिए वो हमेशा दिमाग लगाया करता है, हमेशा सोचा करता है। तो इस तरीके से इसमें मेडिसिन है। ऐसे हमारी नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड कितनी गुस्से वाली मेडिसिन है, कितना काट देने वाली मेडिसिन है, लेकिन फिर भी वो जो है परिस्थितियों के हिसाब से मतलब जो है वो अपने इमोशंस को, अपने एंगर को, अपने हेटर्ड को सो नहीं करता है, क्योंकि उससे फिर उसका नुकसान होगा। तो ऐसे कई बार ये मेडिसिन होती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पे कोई इमोशन बाहर आना चाहिए था लेकिन वो इमोशन बाहर नहीं आया। आपको ये लगेगा यार ये मेरे साथ होता तो मैं तो इसको उठा के पटक देता, बहुत गुस्सा आता मुझको, लेकिन ये बंदा तो क्यों नहीं गुस्सा आया उसको, अभी हवाई पे जाओ, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर उसने अपनी बुद्धि के जरिए कुछ सोच समझ करके उस इमोशन को दबा दिया है तो यहाँ पर आपको ये रूब्रिक अप्लाई करनी है और उस रूब्रिक के अकॉर्डिंग मेडिसिन जो है वो मिलेगी। तो इस रूब्रिक के थ्रू भी मैंने जो केसेस किए हैं वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जो है आप लोग आप लोगों ने में से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ें। हम लोग होम्योपैथी के लिए बहुत काम कर रहे हैं और आप लोगों का साथ चाहिए। होप्स हो कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं इस रूब्रिक को यहीं पे मतलब यहीं पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू ऑल।